मामला ये हुआ कि मतलब मेरे मदर के पास फ़ोन आया वो किराएदार बन के कि मैं अनिकेत विजय जी बोल रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को ऐसे कहा कि ना मतलब मेरे मदर से कहा कि ना आपके फ्लैट में हम इंटरेस्टेड है, जयपुर में जो फ्लैट है तो किराए पे रहने के लिए। तो हमने कहा कि भाई आपकी डिटेल्स शेयर करिए, आप कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा मैं आर्मी में काम करता हूँ और 2 महीने, और हमने कहा कि 2 महीने बाद जयपुर मतलब वैकेंट हो जाएगा फ्लैट हमारा जनवरी के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम तो इंटरेस्टेड है। उन्होंने फ्लैट देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, और वैसे उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना हमें कि आपका जो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए ताकि हम आपको एडवांस जो पेमेंट है वो दे सके 25,000। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने कहा ठीक है आपका है ना जो पेमेंट अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए। तो मेरे फादर मदर एक्चुअली ट्रैफिक में थे, बाहर थे, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, मेरी अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दी। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ना सर आप मैं अनिकेत विजय जी ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो उन्होंने 5 रुपीज़ मेरे को कहा कि आप ट्रांजेक्शन करिए हमारे साथ, मर्चेंट अकाउंट है हमारा आर्मी का, तो हमारा ना गूगल पे रखते ना पेटीएम फ़ोन पे कुछ भी नहीं होता हमारे पास, हमारे पास ICICI बैंक अकाउंट है, और आप इसमें मेरे को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करिए जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि आपका और मेरा अकाउंट दोनों सेम है, सही है कि नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कर दी उनको 5 रुपीज़, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था मर्चेंट अकाउंट का क्या है, क्या सीन है इसका। तो उन्होंने फिर मेरे को वापस 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करा उसके बाद, तो मेरे को लगा हाँ भाई आदमी सही है ये। तो फिर उन्होंने वापस एक बार और फिर मेरे से कहा कि है ना अब आप है ना, मैंने कहा उनको कि आप 25,000 जो हमारा एडवांस है वो आप करिए पेमेंट। तो उन्होंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, टेक्निकल एरर आ रही है हमारे कंप्यूटर में, तो अभी मैं आपको नहीं कर पाऊँगा आपका, तो आप हमें एक काम करिए, आप पहले हमें करिए जो ट्रांजेक्शन है 25,000 का मैं करूँ, उनके बजाय मैं करूँ। तो फिर मैंने कहा सर मैं क्यों करूँगा, आपको रहना है मेरे को रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप करिए एक बार, क्योंकि हमारे इसमें यही पॉलिसी होती है मर्चेंट अकाउंट की। तो 25,000 मैंने करे उनको पेमेंट, तो मतलब मेरे को मेरे से गलती हुई, बट ये अनअवेयर था मैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने मतलब एक तरह से विलिंगली मेरे से करवा लिया ट्रांसफ़र। तो मैंने उनको कर दिए, फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने वापस पूछा कि सर मैंने आपको 25,000 दे दिए, तो सर आप मेरे को वो रिफ़ंड करिए, और जो आपका एडवांस अमाउंट है यानी टोटल 50,000 हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने वही सेम चीज़ एक्सक्यूज़ दिया कि टेक्निकल एरर आ रहा है। तो ऐसे करके करके इन्होंने कभी 50,000 का कभी 25,000 का ऐसे करके 6 ट्रांजेक्शन करवा लिए मेरे से 2 लाख रुपीज़ का टोटल। फिर मैंने कहा कि सर आप दे हमें पेमेंट करिए वापस। उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपको नेफ्ट कर रहा हूँ आधे घंटे में, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल कुछ भी मत करो, आधे घंटे में आपको हम कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ का। तो फिर मैंने 10-15 मिनट वेट करा, मैं एक्चुअली ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो फिर मैंने वापस करा उनको फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि सर क्या हुआ। मैंने कहा कि सर क्या हुआ आपने दिए नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा सर अभी बस प्रोसेसिंग में एक सक्सेसफुल हो गया, और IMPS ट्रांजेक्शन जो 25,000 था एडवांस अमाउंट वो आपको हम दे देंगे। तो मैंने कहा सर आप करिए जल्दी से, क्योंकि सर मेरे को भी दिक्कत हो रही है। तो फिर उन्होंने फिर